पूर्व आईपीएस अफसर सह पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। अमिताभ चौधरी का निधन आज मंगलवार सुबह 3 बजे राज्य के एक निजी अस्पताल में हुआ। जानकारी के मुताबिक अमिताभ चौधरी मंगलवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, इसी दौरान वह गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन और क्रिकेट प्रशासक रहे अमिताभ चौधरी के निधन के बाद रांची के एक निजी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एक एक कर सभी गणमान्य लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनके चाहने वालों ने नम आंखों से अमिताभ चौधरी को अंतिम विदाई दी। वहीं मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँची। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य के लिए उनका जाना बेहद दुखद खबर है, झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, उनकी याद हमेशा आएगी। बताना चाहूँगा, अमिताभ चौधरी राज्य के वैसे चर्चित लोगों में थे जिन्होंने शासन, प्रशासन, क्रिकेट और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 1985 में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की, जिसके बाद वे बिहार कैडर के IPS बने। वहीं अलग राज्य झारखंड बनने के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला। 2002 में BCCI के मेंबर भी बने। 2005 में राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो को चुनाव में हराकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA के अध्यक्ष बने। 2005 से 2009 तक क्रिकेट टीम और BCCI के मैनेजर भी रहे। 2013 में उन्होंने IPS की नौकरी से VRS ले ली। उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2014 में बाबूलाल मरांडी की तत्कालीन पार्टी JVM से रांची लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। रांची में सीनियर SP के पद पर रहते हुए उन्होंने कई कुख्यात माफियाओं को पकड़कर जेल पहुंचाया, जिसमें उस समय के तत्कालीन कुख्यातकारी नहीं थे वो, एक वो बहुत सारे पदों पर रहे और हर जगह अत्यंत कुशलता से उन्होंने अपने काम अपना काम किया। वो एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, वो एक अच्छे, उनका लैंग्वेज में काफ़ी कमांड था। एक बार जब मैं विमेन कमीशन में थी तो वो मेरे से मिले थे और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं भी एक नॉवल लिखना चाहता हूँ, आप तो कैसे लिखते हैं बताइए। तो मैंने उनको कुछ टिप्स दिया था और मैंने कहा था आप तो हम लोगों से बेहतर लिख पाएंगे, और मैंने धोनी वगैरह को लेकर किस तरह से वो लिखेंगे उस चीज़ को लेकर उन्हें कुछ किताबें भी दी थी और कई बार उस संबंध में बात भी हुई थी। लेकिन फिर उन्होंने पूरा किया कि ना नहीं पता, लेकिन झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है और उनकी कमी हमेशा रहेगी। वो चले गए लेकिन वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। कितने बजे? 5:15 के आसपास हुए और घर से ही उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके बाद यहाँ लाया गया है। तो डॉक्टर को कहना है कि मैसे हाथ कल हम लोग के साथ शाम में थोड़ा बहुत अनुभव हुआ और रात में या सुबह में बहुत से बाहर, उसके बाद ठीक है।